मैम आपका ऑर्डर। आई कॉल यू बैक। तन्वी तू यहाँ क्या कर रही है? वो कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो एक्स्ट्रा पैसों के लिए मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ओह तो इस चीज़ की फ़ोटो लेना तो बनता है। अरे क्या कर रही हो? अरे क्यों, आखिर कॉलेज के बंदों को भी तो पता चले कि कॉलेज की टॉपर कॉलेज के बाद क्या करती है। शनाया प्लीज़ डिलीट करो इसे, ऐसा क्यों कर रही हो ये? शनाया ऐसे बात करते अपने कस्टमर्स से? मैम बोल, सुनाई नहीं दिया? आई एम सॉरी मैम। बेटर देख क्या रही हो, कॉफी रखो और निकलो यहाँ से। तब तक मैं ये फोटोज कॉलेज ग्रुप पे अपलोड कर देती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, इतना बुरा क्राउड है। ओए लेटर आ गई। अच्छा तन्वी तीन कॉफी पिला दे यार। ओए तन्वी को कुछ नहीं बोलेगा, सॉरी तन्वी। अच्छा लिसन तन्वी, अब क्या है? एक्चुअली आज शाम में मैं एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर रही हूँ एंड आई नीड समवन टू सर्व, तो क्या तुम आ सकती हो? यार ऐसे दोस्तों के सामने? 7,500 रुपये दूंगी, 2-3 घंटे की बात है, आ रही हो तो बोलो। जल्दी बोलो यार, नहीं तो मैं किसी और को बोलूँ। हाँ ओके मैं आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। बाय। सुनाया यार ये सब छोड़ो, मेरा ग्लास रिफिल करवा दे यार। हाँ एक मिनट। तन्वी अभी देखना क्या करती है, ये ग्लासेस रिफिल करा दे प्लीज। ऑन द रॉक्स 30 ml। शिट आई एम सॉरी। पता कितने एक्सपेंसिव ग्लासेस है ये, मार्केट में खरीदने निकलोगी ना तो खाने के पैसे नहीं मिलेंगे। आई एम सॉरी शनाया, पर शायद तुम्हारा ही पैर लगा था। अच्छा मतलब मेरी गलती है? नहीं बट पता नहीं। जस्ट शट अप, इसे अभी के अभी साफ करो। हाँ शक्लें क्या देख रही हो, साफ करो अभी वरना एक पैसा नहीं दूंगी। देख शनाया मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं करती, वैसे भी तो अब हमारे स्टैंडर्ड की तो रही है नहीं, पैसे वापस भी कैसे करेंगे? शनाया शनाया तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Just get away from you. अरे पर हुआ क्या मुझे बताओ, maybe I can help you. शनाया क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया रणवीर। मतलब? पापा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है और घर पे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अपने फ्लैट का रेंट भी नहीं दिया है और लैंडलॉर्ड ने मुझसे बोला कि मैं नेक्स्ट वीक फ्लैट खाली कर दूं। फाइनल एग्जाम्स की वजह से मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ, घर भी नहीं जा सकती, कोई दोस्त हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है। आई एम रियली स्कैर्ड। शनाया तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ एंड आई होप कि सारी चीजें जल्दी से ठीक हो जाएं। जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती
तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारे साथ? शनाया, मेरे पास तुम्हारे जैसा पॉश फ्लैट तो नहीं है, पर एक छोटा सा पीजी का रूम है। तुम चाहो तो आई कैन मैनेज फॉर यू। पर तन्वी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? शनाया, शायद किसी और को तुम्हारा दुख समझ ना आए, पर मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। I'm really sorry. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। It's okay, शनाया, पर बस आगे से एक ही बात ध्यान रखना कि कभी भी किसी को उनके पर्सनल सिचुएशंस पर जज मत करना। I realize it. Time changes everything. अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विथ्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में। टेक केयर। जोर से बोलो, hey!